अच्छा जी, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो यूज़र्स होते हैं ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या मुराद है कि जो हमारी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट होती है, जो कि हम किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के एंड होने के बाद हम उसको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। क्या चीज़? इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। तो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जो होती है, इसका पर्पस ये होता है, इसके यूज़र्स कौन होते हैं? हमारे कस्टमर्स हो सकते हैं, अगर कंपनी है हमारा बिज़नेस तो फिर उसके शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, और अगर हमने किसी बैंक वगैरह से लोन लेना है फ्यूचर में तो वो बैंक हो सकता है एक्सटर्नल यूज़र के तौर पे, ठीक है। और इसके अलावा आम पब्लिक हो सकती है, या कोई हमारे ऐसे सप्लायर्स या आप कह सकते हैं जिनको हम जिनसे हम कोई परचेज़ वगैरह करते हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारी ये जो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट है, जिसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं इनको बड़े गौर से देखते हैं, और रीसेंट वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं कि इसके अंदर जो है हमारे बिज़नेस की पोजीशन क्या है। तो इस वजह से हर जो बिज़नेस है वो कोई ना कोई अकाउंटिंग पीरियड जो है उसको चूज़ करता है कि इतने अकाउंटिंग पीरियड के बाद मैंने अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो प्रिपेयर करनी है। इसमें कॉमनली, चूंकि इसमें काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है, तो मोस्टली बिजनेसेस जो हैं वो एक साल का टाइम जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, 1 ईयर का, ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड के तौर पे 1 साल का टाइम जो है उसको यूज़ करते हैं। लेकिन इसके लिए कोई कंपल्शन नहीं है, इसको क्वार्टरली यानी साल में 4 दफ़ा, या हाफ ईयरली 6 मंथ्स के बाद भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, या आप जो है इसको साल में 3 दफ़ा भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, या मंथली अगर कोई बिज़नेस करना चाहे तो मंथली भी प्रिपेयर कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि बिज़नेस जो है वो कितना, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितना फैला हुआ है, उसके मुताबिक बिज़नेस ये डिसाइड करता है कि मैंने कितने अरसे के बाद अपनी जो अकाउंटिंग पीरियड है उसको जैसे वो रखेगा। अगर साल का रखेगा तो फिर साल के एंड होने के बाद लास्ट डे के ऊपर वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करेगा, ठीक है, यानी कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को। तो इनकम स्टेटमेंट जो है, इससे बिज़नेस की इनकम या कितने इनकम में है या लॉस में जा रहा है ये पता चलता है, और बैलेंस शीट जो होती है उससे फाइनेंशियल पोजीशन बिज़नेस की पता चलती है। तो इन चीज़ों की ये कह सकते हैं कि इन ये जो इनकम स्टेटमेंट्स हैं ये बेस करती हैं हमारी जो फाइनेंशियल जो हमारे अकाउंटिंग पीरियड है उसके ऊपर, ठीक है। तो अकाउंटिंग पीरियड अगर छोटा होगा तो बार बार बनेंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और अगर आपका अकाउंटिंग पीरियड जो है वो साल का है तो फिर साल के क्लोजिंग आखिरी जो है जिस दिन आपने क्लोजिंग करनी है लास्ट डे के ऊपर आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो डिपेंडेंट हैं ऑन द अकाउंटिंग पीरियड के ऊपर कि आप पीरियड जो है वो कितना रखते हैं। जितना छोटा पीरियड रखेंगे उतनी ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी पड़ेंगी रिपीटेडली, और अगर बड़ा अकाउंटिंग पीरियड रखेंगे जैसे 1 साल का, तो 1 साल का जो क्लोजिंग डे होगा, लास्ट डे होगा, उसके ऊपर जाके 1 दफ़ा प्रिपेयर करनी होगी, ठीक है। तो इस वजह से ये अकाउंटिंग पीरियड का एक कॉन्सेप्ट है, और इसको कंसिस्टेंट रखना होता है। ऐसा नहीं है कि 1 दफ़ा आप 3 महीने का रख लें, अगली दफ़ा 4 महीने का रख लें, जितना आपने रखा हुआ है उसको एज इट इज़ लेके चलना होता है, ठीक है जी।